वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लॉट के बारे में, प्लॉट का एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, आप लोग प्लॉट खरीदने जाते हैं तो पहले जब प्लॉट देखते हैं उसके बाद उसके एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस एरिया को कैसे फाइंड करें उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखें फिर क्या है, आप समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे मान लिया कि यहाँ पर कोई एक प्लॉट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे माना कि क्या है, प्लॉट है। अच्छा, हमने माना कि प्लॉट की जो चौड़ाई, जो लंबाई है ना, उसको आप 30 फिट ले लीजिए, ठीक है ना। 30 फुट बोलते हैं ना इसको, हम फुट मान लीजिए या फिट कह लीजिए आप। तो प्लॉट की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 30 फिट है, ठीक है ना। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 12 ले ली है ना, 12 इसकी कितनी है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 12 फिट है। अब ये एक प्लॉट है, अब इसका निकालना है एरिया, कि आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात और समझने की है, देखिए यहाँ पर क्या है 30 फिट और यहाँ पर क्या है 12 फिट, है ना। तो ये भी याद रखें कि जो लंबाई और लंबाई होती है या फिर चौड़ाई होती है, उसका जो मात्रक क्या होता है, वो फिट में होता है, या सेंटीमीटर में कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या आप गज में भी कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है वर्ग में नहीं होगा, एरिया जो होगा वो किस में होगा, वर्ग में होगा। अब देखिए, अब आपको इसका एरिया निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या करना होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी, लंबाई आपके पास में है 30, कितनी है 30 फिट है, याद रखें फुट, 30 फिट लंबाई है ना। अच्छा, बात करें चौड़ाई की, तो देखिए चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है इसकी, 12 फिट है, वो भी याद रखें, कितनी है 12 फिट है, याद रखना है ये फिट में है। अब अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई फिट में है तो इसका जो एरिया है ना वो भी फिट में ही निकल के आएगा, स्क्वायर फिट में निकल के आएगा। अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया कैसा निकालना है, तो देखिए आप लोग क्या करना है, आपको पता है एरिया बोले तो क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर क्षेत्रफल की बात हो गई, तो क्षेत्रफल कह लीजिए आप, या आप कह सकते हैं एरिया, तो वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। आप लोगों को अच्छा पता होगा कि किसी भी एरिया निकालने के लिए लंबाई इनटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई की और चौड़ाई की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है किसी भी एरिया निकालने के लिए, है ना। अब आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 30 फिट है, चौड़ाई कितनी है 12 फिट है ना। तो देखिए लगा लीजिए आप लोग क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 फिट, है ना, इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 12 फिट, 12 फिट कह लीजिए या 12 फुट कह लीजिए, ठीक है। ये लैंग्वेज है, जैसा जैसा यूज करते हैं वैसा यूज कर सकते हैं आप। अब देखें, अब आपको जब एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकल करके आएगा, देखिए 12 की जो 12 है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 में, है ना। तो 12 3 जो कितने होते हैं, 36 होते हैं, तो लगा लीजिए कितना हो गया 36, और एक जीरो है तो इसको आप ऐसे रख लीजिए, तो कितना हो गया 360 इसका एरिया हो गया। अब देखिए ये फिट है और ये फिट है ना, दो बार एफ आया, एफ का मतलब क्या है पर फिट है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर फिट, याद रखें आप लोग, क्या लगाएंगे इसको हम, स्क्वायर फिट, ये क्या हो गया स्क्वायर फिट कह लीजिए आप, ठीक है ना, या फुट कह सकते हैं। तो याद रखें एरिया जो आएगा वो हमेशा स्क्वायर वर्ग में, किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, या आप कह लीजिए वर्ग में आएगा, ये बात याद रखें आप, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया। अच्छा, एक बात समझने की है कि एरिया जो निकला है ना वो आपका निकला है स्क्वायर फिट में, याद रखें आप, किसमें निकला है, स्क्वायर फिट में निकला है। लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है कि एरिया को हम गज में निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए गज की बात कर लेते हैं, गज का मतलब क्या है, यार्ड, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, यार्ड में निकाला जाता है, गज में निकाला जाता है। हमारे एरिया है ना, हमारे एरिया में भी गज में चलता है, स्क्वायर फिट में नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर स्क्वायर फिट में चलता है। तो देखिए हमें अगर अभी जो एरिया निकला है वो निकला है स्क्वायर फिट में, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें, गज में करना है, तो हम कैसे करेंगे, उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें आप लोग, बहुत छोटी सी बात है, अगर हम कहें एक गज बराबर, ठीक है ना, अगर हम कहें एक गज बराबर, तो एक गज बराबर जो होता है वो होता है 3 फिट, याद रखें आप लोग, क्या होता है, एक गज बराबर कितना होता है, 3 फिट होता है, एक गज बराबर 3 फिट होता है, ये बात आप जरूर से याद रखें। तो आपको पता होना चाहिए कि एक गज जो होता है वो 3 फिट के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं कि एक गज में 3 फिट होते हैं। अब समझिए एक बात,
इसी को आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या कि वन यार्ड इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं 3 फिट, ये बोल सकते हैं। अब एक बात समझें आप ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो एरिया है वो किसमें स्क्वायर फिट में है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ ये क्या है गज की बात, इसमें स्क्वायर नहीं है, देखिए फिट है, सिर्फ फिट है पर स्क्वायर नहीं है ना, तो आप क्या कर लीजिए इसको, इसको ऐसे कह सकते हैं ना एक एक वर्ग गज, अगर हम एक वर्ग गज की बात करेंगे, देखिए वर्ग कर लिया ना तो 3 का वर्ग कर लीजिए आप कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर फिट, ये जो एरिया कितना हो गया 9 स्क्वायर फिट हो गया, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 यार्ड, अगर हम स्क्वायर की बात करें 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर फिट, याद रखें स्क्वायर फिट हो जाएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, इसको मिटा दीजिए, देखें अब आपको एरिया बदलना है गज में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं गज में कैसे बदलना है हमको, तो देखिए स्क्वायर फिट ये क्या है स्क्वायर फिट, तो आप एक काम कर लीजिए, आपको पता है कि 1 स्क्वायर यार्ड जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 9 स्क्वायर फिट के बराबर होता है। अगर हम बात करें एक एक स्क्वायर फिट बराबर निकाल लीजिए आप, ऐसे कह सकते हैं आप इसको 9 स्क्वायर फिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड लिख सकते हैं ना। अगर हम यहां से निकालें एक स्क्वायर फिट की वैल्यू निकालें, एक स्क्वायर फिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, 1/9 कितने हो जाएगी 9, ये 9 नीचे आ जाएगा इसके, क्या हो जाएगा स्क्वायर फिट हो जाएगा, स्क्वायर यार्ड हो जाएगा सॉरी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, आप इसको निकाल दीजिए, तो देखिए बहुत ईजी है निकालना। अब आपको बदलना है गज में, स्क्वायर फिट को किस में बदलना है, गज में बदलना है, तो देखिए एरिया कितना है आपके पास में, एरिया जो है वो कितना है, एरिया आपके पास में है 360 और क्या लिखा है स्क्वायर फिट, स्क्वायर फिट, तो देखिए एरिया इज इक्वल टू आप इसको कह सकते हैं 360 इनटू, इसको लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर फिट। देखिए अगर 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे तो वही आ जाएगा ना, इसलिए हम कह सकते हैं। अब देखें आप कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 360 इनटू 1 स्क्वायर फिट बराबर कितना हो गया, देखिए 1 स्क्वायर फिट इज इक्वल टू 1/9 स्क्वायर यार्ड, क्योंकि हमें गज में बदलना है तो गज में बदल जाएगा, आप क्या हो जाएगा 1/9 कितना स्क्वायर यार्ड, यार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, अब कैंसिल कर लीजिए कितने टाइम्स आएगा ये 9 4 जा, तो एरिया आपका निकल के आ गया एरिया इज इक्वल टू 40 है ना, 40 स्क्वायर यार्ड ये एरिया निकला, यानी कि जो एरिया है ना वो कितना है, वो 40 वर्ग गज है, याद रखें 40 वर्ग गज जो एरिया है वो आपका निकल के आया। तो आप याद रखें जो आपका एरिया निकला वो कितना निकला 40 स्क्वायर यार्ड, यार्ड का मतलब क्या है पर गज, यानी कि 40 हम लोग कहते हैं कि 40 वर्ग ऐसे बोलते थे 100 गज है हमारा प्लॉट, नहीं 100 वर्ग गज होता है, 100 वर्ग नहीं होता है, याद रखें आप लोग, आप याद ये रखना है कि जो एरिया होता है ना वो 100, अब हम लोग बोलते हैं ना कि 100 वर्ग, हमारे पास 100 गज का प्लॉट पड़ा हुआ है, 100 गज नहीं होता है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास में 100 गज का प्लॉट है, लेकिन हकीकत में 100 गज नहीं होता है, वो 100 वर्ग गज होता है, याद रखें आपको क्या बोलना है 100, यहाँ पर देखिए 40 स्क्वायर यार्ड, देखिए आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि 40 गज का प्लॉट हमारे पास में नहीं, बल्कि 40 वर्ग गज ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आज की वीडियो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्या होता है जब आप लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो क्षेत्रफल जो होता है ना एरिया, उसमें गलती की वजह से एरिया ज्यादा नप जाता है, उसकी वजह से हमारा पैसा भी ज्यादा जा सकता है, तो आप लोग जरूर से याद रखें कि एरिया कैसे निकालते हैं उसको सही से करने की कोशिश करें, ताकि आपको आपका जो पैसा हो वो व्यर्थ ना हो और आपका पैसा सही यूज में हो, ठीक है ना। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।